साथ दीक्षा भांद्रे। इस बार नाग पंचमी 5 अगस्त को आ रही है और एक बार फिर नाग पंचमी के दिन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलेंगे और भक्तों को भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन होंगे। मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों के लिए सुगम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि भक्त आसानी से सुगम तरीके से नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर सके। नाग पंचमी को लेकर मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्थाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इस बार दर्शन के बाद शिखर से उतरने के लिए दो निर्गम द्वार बनाए जा रहे हैं जिसमें शिखर पर दर्शनार्थियों का दबाव कम किया जा सके। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अंतिम व्यवस्था तय की जाएगी। गौरतलब है कि महाकालेश्वर मंदिर में ओमकारेश्वर मंदिर के शिखर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है जो साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी को दर्शन के लिए खुलता है। 4 अगस्त की रात को मंदिर के पट खुल जाएंगे और दर्शनार्थी वहां दर्शन करने का लाभ ले सकेंगे और ये दर्शन का सिलसिला रात भर और दिन भर जारी रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी लोहे की सीढ़ियां बनाई गई हैं जिन पर चढ़कर दर्शनार्थी नागचंद्रेश्वर तक आ सकेंगे और उनके दर्शन कर सकेंगे। इस बार 2 निर्गम द्वार बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस हेतु आदेश जारी किए गए हैं। शुक्रवार को प्रशासन द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली गई और दिशा निर्देश दिए गए और ये तय किया गया है कि आम दर्शनार्थी हरिफाटक ओवरब्रिज से दर्शन के लिए प्रवेश कर सकेंगे और सरस्वती शिशु मंदिर के पास लगी बैरिकेड से प्रवेश कर सकेंगे। सशुल्क दर्शन पास वाले दर्शनार्थियों को भी इसी स्थान पर भारत माता मंदिर की पार्किंग के पास से प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन शंख द्वार से होकर वे अंदर प्रवेश कर सकेंगे और महाकाल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को हरसिद्धि तिराहा से होते हुए 4 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाएगा। सभी का निर्गम एक ही द्वार से होगा। बैठक में सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे और बैठक में ये भी बताया गया कि दर्शन के लिए 250 रुपए का टिकट ऑनलाइन भी लिया जा सकेगा। कुल मिलाकर नाग पंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर के दर्शन श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित तरीके से हो सके इसके लिए मंदिर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।